तो यहाँ पे देखो जो मैग्नीफाइंग पावर है एक टेलीस्कोप का जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं हमारे एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज होता है एक और आईपीएस होता है ओके okay, जैसे कि यहाँ पे हम इस फिगर में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है इस टेलीस्कोप का वो कितना गेवन है मैग्नीफाइंग पावर टेन गेवन है वुड बी इट्स न्यू मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा ये हमें बताना है एमपी एमपीडी यहाँ पे क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज डबल तो फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव है, है. है, है? है तो बताना है न्यू मैग्निफाइंग पावर यहाँ पे हमारा क्या होगा ओके okay, तो जैसे कि देखो हम फिगर में देख पा रहे हैं यहां पर कि एक हमारा क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक होता है यहाँ पे हमारा आईपीस लेंस ओके और यहाँ पे हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है आईपीस आईपीस से ओके okay. तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है मैग्नीफाइंग पावर ओके तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल से एडजस्टमेंट है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मुला हमारा क्या होता है एफओ अपन एफ ई के इक्वल ओके okay, और वो कितना दिया है टेन तो टेन इज इक्वल टू कितना आ गया के इक्वल ओके सिंपली अब यहां पे देखो जो न्यू मैग्निफाइंग पावर हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ओ डैस में एफ ई ये लिख सकता हूं एफ ओ मुझे पता था कि टू टाइम्स ऑफ एफ ओ के इक्वल है और एफ ई कितना था एफ वाई टू तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो सिंपली यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा f अपॉन में fe तो न्यू मैग्नीफाइंग जो पावर है इस टेलीस्कोप का वो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f अपॉन fp और f अपॉन fe किसके इक्वल है यहाँ पे हमारा 10 के इक्वल तो इनटू में कर देंगे 10 सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से हमारा 4 10 40 तो यहां से देखो जो न्यू मैग्निफाइंग पावर होगा हमारा इस टेलीस्कोप का वो आ जाता है फोर्टी के इक्वल ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अभी देखते हैं अपना ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इज करेक्ट फॉर लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर